जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये कुछ मेरे भाई है जो बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा मेडिकल का क्या होगा, ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल का पॉइंट लिखा हुआ रहा है उसमें साफ साफ लिखा आ रहा है, चाहे YTPP का भी आपने देखा होगा, CRPF वाले में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस कैंडिडेट की मेडिकल यानी जिस डेट से हुआ और ज्वाइनिंग डेट से अगर 12 महीने कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसकी वापस से मेडिकल लिया जाएगा, उसी के बाद में उसकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों जितने भी ओवर वेट वाले ये मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, या कईयों के जैसे पाइल्स हो गई तो वो भी मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, या कुछ ज़्यादा पाइल्स वाले भी ज़्यादा, मेरे को पता नहीं पाइल्स वाले कुछ ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, पाइल्स वाले या ओवर वेट वाले अंडर वेट वाले। तो देखिए, जिसकी पहले मैं बता दूँ कि जिसकी ज्वाइनिंग जैसे 15 मार्च CRPF में आ रही है, 17 मार्च आ रही है और भी अलग अलग डेट आ रही, तो उस डेट तक अगर आपके 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपको फिर से मेडिकली तैयार रहना पड़ेगा। अब मेडिकल होगा किनका नहीं, इसके बाद में बात करेंगे हम, किन किन का मेडिकल नहीं होगा उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि जिनका मेडिकल होना है वो दोस्तों जिनका 12 महीने का टाइम हो गया, मतलब 12 महीने से अगर चाहे 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर हो गए, तो उन सभी को बता दूँ। जैसे अगर किसी के पाइल्स की बीमारी, तो दोस्तों आपके पास में एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर आप उसका इलाज करा सकते हो, एक महीने में उसका इलाज भी हो जाएगा और आपका फिर से मेडिकल होगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर फिर से मेडिकल होता है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हम वापस अनफिट होते हैं, अनफिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार मेडिकली फिट हो गए और जो आपको रीमेडिकल में जो पॉइंट दिए जाते उनको वापस से चेक नहीं अगर किया भी जाता है, तो उसको ये वापस ये चीज़ भी ऑब्जर्व की जाती है कि रीमेडिकल में इस पॉइंट में फिट हुआ, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि इस बीसी पार्ट का वापस से उसी प्रकार से मेडिकल हो। लेकिन हाँ, मेडिकल वापस होगा तो आपको मेडिकली रूप से तैयार रहना पड़ेगा। जिनके 12 महीने से ज़्यादा हो गए, चाहे वो ओवर वेट हो चाहे अंडर वेट हो, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस महीने एक महीने का टाइम आप सभी के पास में, तो इस एक महीने में आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि आप मेडिकली फिट हो सको वापस। अब जिनके पाइल्स है या और भी कुछ किसी भी प्रकार की बीमारी है, कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं और मैं वापस उनको बोलता हूँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ, तो बोल रहे हैं सर अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो, अरे हो जाएगी तो करोगे क्या फिर? अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो वास्तविकता हो गई है तो होगी। अब आपके पास में केवल एक चीज़ बची है कि आपको चलो कैसे नहीं करके जितना हो सके उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट का मतलब ये हो गया, आप उसका इलाज कराइए, उसके लिए जो मेडिसिन बनती है वो मेडिसिन लीजिए। अब जैसे पाइल्स वाले, उनको पता इलाज आज पाइल्स का आसानी से हो जाता है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, तो आयुर्वेदिक दवाई या जो भी डॉक्टर की आपको सलाह लेनी है लेके उसको जल्दी से ठीक कराइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि पहले बोला था कि ज़्यादा मेडिकल हार्ड नहीं हो, अगर बाय चांस किसी ग्रुप सेंटर में आपके जिसमें ज्वाइनिंग आई, उस ग्रुप सेंटर में अगर कोई डॉक्टर करना चाहे हार्ड तो भी कर सकता है, वो उसमें साफ साफ लिखा है चिकित्सा अधिकारी, तो चिकित्सा अधिकारी भी उस पर डिपेंड करता है, हैं, अगर वो करना चाहे हार्ड तो कर भी सकता है, वापस पूरा मेडिकल कर सकता है, वो डिपेंड करता है उन डॉक्टर पर। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल होगा, मान लो नॉर्मल ना लेके वो पूरा हार्ड से ले और आपको फिर से MS दे, फिर आप मेरे को बोलो कि सर आपने बोला था नॉर्मल होगा, तो मैंने ये बोला था कि ओवरऑल नॉर्मल होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा मेडिकल, नॉर्मली मेडिकल होगा। लेकिन अगर आपके लक मान लो कुछ ऐसा हो, तो इसलिए आपको कम से कम अपनी रूप अपनी तरफ से तैयार होना है। नॉर्मल होगा तो कोई टेंशन नहीं है और हार्ड होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी तरफ से जितना आप एफर्ट लगा सकते हो सही होने के लिए उतना लगाइए। ये नहीं कि ज़्यादा ही, ज़्यादा भी नहीं। अब आपको लग रहा है कि कोई आप ऐसे सोच रहे हो कि अगर कुछ चीज़ें जैसे हथेली में राय नहीं उगती, ठीक है, हथेली में राय कैसे उगेगी, एक मिनट की मिनट कोई चीज़ थोड़ा ना पैदा हो सकती, तो जो चीज़ आप कर सकते हो और जितना कर सकते हो उतना कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। तो इसलिए जो इनका मेडिकल होगा, जिनका 12 महीने कंप्लीट हो गए, जो ग्राउंड फिट हुए थे, तो मेडिकल वाले नहीं, जो ग्राउंड फिट हो गए थे और जिनके 12 महीना कंप्लीट हो गए हैं मेडिकल डेट को, तो दोस्तों उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आपकी जितनी बीमारी किसी प्रकार की अगर आपको बीमारी है, तो सबसे पहले आपको उसको इलाज कराने की ज़रूरत है, उसको ठीक कराइए। अंडर पार्ट्स का भी हो सकता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है होगा नहीं होगा, ये बात मैं अगर आपको भी बोल दूंगा नहीं होगा तो आप इलाज ही नहीं कराओ, ठीक है। फिर बाद में मेरे को कहीं का बाई चांस अगर हुआ तो बाद में आप मेरे को बोलोगे कि सर आपने बोला था नहीं होगा, उसकी वजह मैंने ये चेक का काम नहीं किया और इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप सभी को कि ये मान के चलिए कि आपका फिर से मेडिकल होगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना। तैयार होना क्या, उसमें आप जो मेडिकल डायरेक्ट फिट हुए थे, मुझे नहीं लगता उनमें कोई कमी है, वो 100% फिट है। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, जैसे किसी को अगर पाइल्स हो गई, बवासीर हो गई है, तो उसका इलाज करा लेना, अभी एक महीने का टाइम है, आसानी से इलाज हो जाएगा, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ग्राउंड फिट हुआ था मेडिकल, वो कहीं अनफिट होगा नहीं,
अब हाँ, नोकनी वाले या ये वाले ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें। जैसे अगर TNS है, कान वाला या जो ये पॉइंट है आँख वाले, ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनके लिए आप चिंता ना करें, ये पॉइंट आपको वापस नहीं मिलेंगे। पॉइंट मेडिकल वापस होने का मतलब ये है कि आपके अब कोई बीमारी नहीं हो गई हो, कोई डिसेज जैसे अस्थमा नहीं हो गया हो या कोई ऐसी कोई हाई बीमारी नहीं हो गई होगी जिसके कारण आप ड्यूटी कर ही नहीं पाओ या ट्रेनिंग कर ही नहीं पाओ इन 12 महीने में, आपके कोई ऐसी चोट ना आ गई हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो गई, उस चीज़ का मेडिकल होगा। ये नहीं कि इनके हाथों को आपको वापस बेंड करा के देखेंगे या नोकनी का पॉइंट मिलेगा, उंगलियों का पॉइंट मिलेंगे, तो ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एक बार चेक हो गई। ये कोई ये है नहीं कि 12 महीने बाद में नौकरी ठीक हो जाएगा, वो अगर किसी का पॉइंट उस समय नहीं मिला तो इसमें अभी भी नहीं मिलेगा। अभी जो मेडिकल होगा उसका मेन मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपको इन 12 महीनों के अंदर अंदर या तो आपके कहीं शरीर में चोट आई हो कोई बड़ी जिसकी वजह से आप फिट ना हो, दूसरा या आपके शरीर में कोई बीमारी पकड़ ली हो ऐसी जिसका इलाज ना हो, या जो थोड़ी बड़ी बीमारी हो या डेंजर बीमारी हो, तो उन चीज़ों के लिए ये मेडिकल दोबारा होता है। ना कि ये चीज़ें देखने के लिए कि आपको फिजिकली अरे इसका नोकनी ठीक है नहीं, उंगलियाँ ठीक है नहीं या नाखून ठीक है नहीं, ये चीज़ें हो चुकी है और ये की बार होती है, क्योंकि इनमें चेंज तो होता ही, तब उस समय आपके पास में भी रहेगा भाई ये नाखून तो उस समय भी ऐसे ही थे, अब थोड़े ना हुए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए आप चिंतित ना हो, इसलिए उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। बस वो आपके अगर कोई बीमारी नहीं है बड़ी तो, और ये छोटी मोटी बीमारी है बवासीर पाइल्स वाइल्स का, इसके लिए आप ओवर वेट अंडर वेट या आप कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक, तो इसके लिए आप मेरे से ज़्यादा परेशान भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अब जिनका मेडिकल नहीं होगा, किनका मेडिकल नहीं होगा, ये भी मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किनका मेडिकल नहीं होगा, तो देखो एक तो ये तो सीधी सी बात है, जिनके 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए मेडिकल को, उनका मेडिकल तो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिनके 12 महीने जिनकी मार्च 25 मार्च के आसपास जिनका मेडिकल हुआ है या मार्च के महीने बाद में जिनका मेडिकल हुआ है, रिमेडिकल हुआ, उनके मेडिकल नहीं होगा, उनका बहुत ही कम चांस हो गया मेडिकल होने का, रिमेडिकल वाले और जो मेडिकल फिट वाले उनका। अब उनमें से केवल एक ही रीज़न हो सकता है उनका मेडिकल होने का, वो हो सकता है कि उनके कोई बीमारी या चोट चाट या कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो उनका मेडिकल हो सकता है, बाकी उनका कोई चांस नहीं है कि उनका अब वापस मेडिकल होगा। तो इसके लिए अगर कोई चिंतित है तो चिंतित ना हो, क्योंकि जिनका 12 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे 10 दिन ही बचे हैं चाहे 5 दिन ही बचे हैं, तो लकीली इंसान है क्योंकि वो बच गए। और ये देखो रिमेडिकल वालों को भी फ़ायदा हो गया कि उनका रिमेडिकल की जो डेट थी उसे भी 12 महीने किसी के नहीं हुए, तो उनका मेडिकल की जो डेट है और मेडिकल वाले तो उससे 12 महीने अभी तक किसी को नहीं हुए, तो उनके मेडिकल के चांस भी बहुत ही कम हो गए। उनका जो मेडिकल का जो रीज़न मैंने बता दिया, उनका अगर मेडिकल होगा तो उसका रीज़न ये है साफ साफ कि उनको कोई भी बीमारी बड़ी बीमारी से वो पीड़ित नहीं होनी चाहिए, साथ में कोई भी चोट चाट बड़ा नहीं निशान नहीं होना चाहिए चोट चाट का, तब उस कंडीशन में उसका मेडिकल नहीं होगा। अगर ये बीमारी रहती है आपके 12 महीने भी नहीं हुए, आपके 6 महीने हुए, अगर आपको बीमारी है कोई या कुछ इस प्रकार का आपको चोट चाट आ गई तो आपका मेडिकल अवश्य होगा दोस्तों। ये नहीं कि आप सोच लो कि अरे मेरे को तो चोट आई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो इन चीज़ों की आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बीमारी है तो फिर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर बीमारी नहीं है और जिनका 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उनका तो कोई किसी भी हाल में आपका मेडिकल नहीं होगा, तो इसलिए। और जिनकी बीमारी है वो तो आप इसलिए तो भी तैयार कर लेना, जो मैंने बीमारियाँ बताई इसलिए भी तैयार कर लेना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है और ट्रेनिंग पास करना भी अनिवार्य है। आपके ज्वाइनिंग लेटर अच्छे से पढ़ोगे ना, उसमें साफ साफ आपको लिखा वो मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई भी क्षति पहुँचती है उसके लिए जिम्मेदार आपका डिपार्टमेंट नहीं लेता है, पहली बात तो ये। दूसरी कि ट्रेनिंग आपको पास करना अनिवार्य है, ये प्रशिक्षण पास करना आपको अनिवार्य है, लेकिन अगर ये बीमारियाँ रहेगी तो आप पास नहीं कर पाओगे, पास कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सर अगर हम बाद में जॉब क्विट करें, तो जॉब तो क्विट कर सकते हो लेकिन मिलता कुछ नहीं, अगर आप बीमारी की वजह से अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर पाते हो आपको एक पैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ज्वाइनिंग कर लिया आपको सारी सुविधाएँ मिल जाती है, ऐसा नहीं है, आपको ट्रेनिंग पास करना अनिवार्य है। और 2 साल तक आपका जॉब टेम्परेरी रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में पक्का होता है, आपको टेम्परेरी बेसिस पर अभी भर्ती किया जाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, तो जितनी भी आपके शरीर में भी कुछ बीमारियाँ हैं उनकी मेडिसिन लीजिए, उनका इलाज कराइए। अभी ज़्यादा मौका है क्योंकि एक बार ग्राउंड में आ गए या एक बार ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद में आपको इतना मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। और नहीं मिलने का रीज़न आप सभी को पता है, वहाँ ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग टाइम में टाइम नहीं मिलता, तो फिर इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास में समय, इलाज करवा लीजिए, अच्छे से
तो मेडिकल में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाद में ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय हिंद।